और अब अगली खबर अरविंद केजरीवाल को परेशान करने वाले फैक्टर की करेंगे। इस फैक्टर का नाम है असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि भला ओवैसी केजरीवाल की नाक में दम क्यों करने लगे, तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल 4 दिसंबर को दिल्ली एमसीडी के चुनावों में ओवैसी ने भी एंट्री मार दी है, और एंट्री अकेले नहीं मारी है, मुसलमानों के साथ साथ एससी वोटों के लिए चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की पार्टी से भी हाथ मिला लिया है। इस गठबंधन के बाद अब पूछा जा रहा है कि क्या केजरीवाल का खेल बिगाड़ेंगे ओवैसी। दिल्ली एमसीडी की 250 सीटों के लिए अभी तक केजरीवाल और बीजेपी हुंकार भरते दिखाई और सुनाई दे रहे थे, लेकिन अब एक नया गठबंधन अपना हिस्सा मांगने आ पहुंचा है। अरे दिल्ली वालों, कभी ये तो देखो, याद करो दिन को जब थाली बजाई। यानी हम लोग थाली बजाने में माहिर हैं, हम लोग ये नहीं सोच रहे कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस मैदान में नहीं है, लेकिन फिलहाल आप और बीजेपी के अलावा एमसीडी के चुनाव में ओवैसी फैक्टर की चर्चा बहुत तेज हो गई है। तस्वीरें राजधानी दिल्ली की है, जहां मुस्लिम और एससी वोटों के लिए ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के हिस्सेदारी मोर्चे ने हुंकार भरी। एमसीडी की 100 सीटों पर AIMIM और आजाद समाज पार्टी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगी। 68 सीटों पर ओवैसी ताल ठोकेंगे, जबकि 32 सीटों पर आजाद की पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि हिस्सेदारी मोर्चे ने ये भी बता दिया है कि योजना तो 250 सीटों पर ही लड़ने की है, लेकिन फिलहाल 100 सीटों पर तस्वीर साफ हो चुकी है। देखिए, हमें लड़ने का प्लान 250 पे है, लेकिन 100 सीटें हमारी शेयर हो गई, तो 100 सीटों में तो हमने ये इसमें आपको प्रेस नोट में दे दिया है कि 68 हम और 32 है, बाकी जो 150 है उसमें ये तय करेंगे अभी इन्होंने कितनी और लड़नी है, लेकिन हमारा कंफर्टेबल है, जितनी भी लड़ना चाहेंगे 150 में ये लड़ सकते हैं। ओवैसी की AIMIM पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज ने एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत से बात करते हुए बताया कि किस तरह मुस्लिम और एससी वोटरों का ध्यान रखते हुए सीटों का चुनाव किया गया है। राजनीति में जाहिर बात है कि जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो ये दो जो तबके हैं दोनों मिलके तकरीबन 35% बैठते हैं, दलित और मुस्लिम, और उसके साथ अगर ओबीसी जोड़ देते हैं तो ये 80-85% हो जाते हैं। तो अगर हमें इनको सत्ता से बाहर करना है, बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को, तो हमें एक होना होगा। मुस्लिम और एससी वोटों की इतनी बात हो रही है, तो चलिए दिल्ली में जरा इनका समीकरण भी समझ लेते हैं। दिल्ली में मुस्लिमों की आबादी 13% है, जबकि 17% एससी है। दोनों को मिला दें तो करीब 100 सीटों पर ये निर्णायक भूमिका में है। बड़ी बात यह है कि एमसीडी की 250 सीटों में से 42 सीटें एससी समाज के लिए रिजर्व है। हालांकि 2017 के एमसीडी चुनावों में भी ओवैसी ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट पर खाता नहीं खुला था, और इस बार ओवैसी ने मुस्लिम और एससी वोटरों को एकजुट करने का प्लान बनाया है। वैसे पुराने अनुभवों और चुनावी नतीजों के बाद फिर से आरोप लगने शुरू हो गए हैं, और सवाल भी पूछा जाने लगा है कि क्या ओवैसी बीजेपी की टीम बी की भूमिका निभाने वाले हैं। देखिए, ये तो जाहिर बात है कि आम आदमी पार्टी जो आज सत्ता में है ना, वो इन्हीं दो वर्गों के वोट की वजह से है, तो जब उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकेगी तो उसे पेट में दर्द भी होगा, उसे तकलीफ भी होगी, वो प्रोपेगेंडा भी करेगी, और वो प्रोपेगेंडा जब करती है तो इसी तरह की बातें करती है कि वो ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, हमें इसकी परवाह नहीं है। दरअसल तस्वीर कुछ ऐसी है कि परंपरागत रूप से मुसलमान और एससी समाज कांग्रेस को वोट करता रहा था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ये वोटर आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, और शिफ्ट हुए इसी वोट को पाने की हसरत में हिस्सेदारी मोर्चा तैयार किया गया है। मैं अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत करीबी से काम किया मैंने 2013 में, और आपने अगर इतिहास में याद होगा मैंने 1 रुपए में अपना मकान दिया था उनके किराए पे। वो अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार दिल्ली की राजनीति में उभर के आए थे, उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा दिया था, माफ करना वो करप्शन वर्ड हट गया, इंडिया अगेंस्ट रियलिटी आ गया, तो उसको हटाने के लिए मोर्चे का निर्माण हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।